एवरीवन वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पे मैक्सिमम फ्री लेक्चर्स मिलते हैं और रेगुलर लेक्चर रहते हैं। आप अपनी पढ़ाई एकदम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है HCF NLCM। शुरू करने नहीं जा रहे, शुरू हो चुका है। और आपको बता दूं, इसका ऑलरेडी दो लेक्चर जो प्रैक्टिस सेट 10 और प्रैक्टिस सेट 11 हमने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके, ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ पहले ही अपलोड किया था, तो वीडियो ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा, तो आप देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12, कोई घाय नहीं, एक एक शाम को एकदम मस्त तरीके से देखने वाले हैं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल छोटा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और वीडियो को यार लाइक कर देना अच्छा लगा तो, एंड कमेंट बता देना वीडियो कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट 12 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF। ठीक है, आप शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है HCF का फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिलअप्थ में पूछा जा सकता है, तो मैं इसके लिए आपको बता दिया। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 25, 40। बहुत ही आराम से जाएंगे, कोई घाय नहीं है। बट आप जितना मैं एक लेक्चर में आपको सम कराऊंगा, वो सम को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको मैथ्स में आप चैंपियन बन जाएंगे। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, बी ट्रूथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है 25, 40। तो पहला काम आपको क्या करना है, एक वर्टिकल आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन यहाँ लिखना 25, क्योंकि हमें 25 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, 25 का फैक्टर निकालना है। तो पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। तो हमने यहाँ साइड में लिखा 25। अभी आपको ये मेथड आता होगा, आपने सीखा होगा 6th स्टैंडर्ड में, एंड मैंने सिखाया था गाइस, मेरे चैनल पे 6th स्टैंडर्ड का वीडियो भी अवेलेबल है। तो 25, तो हम यहाँ करेंगे 25 को हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 5 25 5 5 25। ठीक है, देन 5 1 5। कैसे किया हमने, देखिए 25 था, 5 5 25, अब ये 5 है, तो 5 1 5। ठीक है, देन अब है दूसरा नंबर है हमारे पास 40। क्या है बच्चों, बोलो जल्दी कमेंट में बताओ क्या है 40। तो इस 40 को भी हम सेम तरह से डिवाइड करेंगे, तो 40 को 2 से करेंगे, 2 42 के टेबल में जाता है, 2 20 ज़ा 40, कितने ज़ा 2 20 ज़ा 40, एंड 20 को डिवाइड करेंगे 2 10 ज़ा 20। ठीक है, अब 10 को डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आता। क्या नहीं आता बच्चों, 1 नहीं आता है। तो 10 है, अब 10 को भी डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 किसके टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5। आ गया सर, आ गया 1 आ गया, चलिए अब यहाँ रुक जाते हैं, 1 आ गया, अब यहाँ रुक जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखना है हमें 25 के जो फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर्स यानी 5 5, एंड 40 का क्या है 2 2 2 5, इसको हम लिख देते हैं। 25 का क्या है 5 into 5, 40 का क्या है बच्चों, 40 का है 2 into 2 into 2 into 5। ठीक है, अब आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको 25 और 40 के फैक्टर में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, कॉमन, जी हाँ कॉमन, जो आपको 25 के टेबल में भी देखने मिल रहा है, 40 के टेबल में भी देखने मिल रहा है। तो अब बच्चे मेरे कहेंगे सर 5, देखिए सर 5 यहाँ भी 25 में भी है और 5 40 में भी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 40 इज 5। खत्म बच्चों, इतना ही करना है, और ये 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आएगा, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके लिए हमने आराम से करा है, अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों, आपका सेकंड क्वेश्चन है 56 32। तो पहले 56 के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड 56 हमने लिखे, 56 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 56 कौन से टेबल में जाते हैं, 56 जाता है 2 के टेबल में, पहले जाता है 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। ठीक है,
अगर आपको इस तरह का डिवीजन जो है नहीं आता तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, मैं कोई इसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आप कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा ना, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड 28 को डिवाइड करना, 28 है तो 2 से जाएंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 फोर ज़ा 8। अब बताइए 14 किसके टेबल में जाते हैं, 14 2 के टेबल में जाएगा, 2 सेवन ज़ा 14। अब 7 किसके टेबल में जाएगा, 7 वन ज़ा 7, ठीक है। 1 आ गया, रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब नेक्स्ट 1 आ गया तो वहीं रोक देना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 32। अब 32 को भी सेम डिवाइड करना है उसी तरीके से, तो 2 से जाएंगे, 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी 2, 6 ज़ा 12। 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, एंड 8 को 2 4 ज़ा। अब 4 को किससे करेंगे, 2 2 ज़ा, 2 को करेंगे 2 वन ज़ा 1 आ गया। बस देखिए कैसे किया हमने, 32 था तो 2 16 ज़ा 32, ठीक है। 16 है, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 8 है, 2 4 ज़ा 8, 4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एक से दो बार आप वीडियो ना वापस स्किप कीजिए, वापस स्टार्टिंग से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 56 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 7 एंड 32 का क्या आया है, 2 इंटू 2। अब ऐसा नंबर दोनों में कॉमन हो तो देखिए बच्चों, 3 बार 2 56 में कॉमन है, 3 बार 2 32 में कॉमन है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 56 एंड 32 इज, 3 बार 2 ऊपर है, 3 बार 2 नीचे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आएगा आपका 8, ठीक है। क्या बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन है 40, 60, 75, तो यहाँ हम लिखेंगे 40 के लिए पहले, फिर 60, फिर 75, 40, 2 2 ज़ा 2 20 ज़ा, यानी 2 2 ज़ा 4 और ये 0 लगा दें, 2 20 ज़ा 40। अब 20 को किस तरह से करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 10 को 2 5 ज़ा 10, 5 इसके टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया, रुक जाएंगे, सेकंड लेंगे, सेकंड क्या है, सेकंड है 60, 16 किसके टेबल में जाएगा, 2 से जाएगा। अब देखिए 60 या 3 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में भी जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए कि वो स्टार्टिंग के टेबल्स में अगर जा रहा है तो उसी में से आप उसे उसका फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 60 है तो मैं 2 से करूँगा, 2 3 ज़ा 6, 30 2 के टेबल में नहीं जाएगा बट ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड ये 0, 10 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 किसके टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब एक लास्ट निकालना है जो है 75, 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के नहीं जाएगा, 4 के नहीं जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 15। अब बच्चे बोलेंगे सर 15 5 3 ज़ा 15, बट रुको, 3 5 ज़ा 15 भी तो होता है, तो स्मॉलेस्ट से जाओ पहले, कोशिश करो कि आप 2 3 4 से जाओ, अगर नहीं जाते तो आगे जाओ। अब ये 15 है तो 5 3 ज़ा भी जाता है, बच्चे 5 3 ज़ा ले लेंगे, बट 3 5 ज़ा भी होता है तो 3 5 ज़ा लीजिए, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 1 आ गया, अब रुक जाना है आपको। तो इसी तरह से आपको हर समय फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये मेथड को आप सीख लीजिए, हर समय एक्सरसाइज में आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हैं, सब में इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 40, दोस्तों इसमें से जो फैक्टर्स थे वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए तीनों में कॉमन है 5, 5 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो 5 था कॉमन तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th है, 4 16, तो पहले हम 16 का निकालेंगे, देन 57 का निकालेंगे, 16 देखिए अब 2 के टेबल में जाता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अब 4 किस में जाता है, 4 जाता है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में भी जाता है, बट आपको मैंने सिखाया है पहले छोटे नंबर से देखिए, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, अब रुक जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
मतलब नेक्स्ट 57 है, 57 3 के टेबल से करते हैं, 3 1s are 3, यहाँ बचेगा 2, 3 9s are 27, अब यहाँ 19 1s are 19, क्योंकि 19 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, वो प्राइम नंबर है। यहाँ लिखेंगे 16, 2 into 2 into 2 into 2, 57, 19 into 3, 3 into 19 लिखे तो भी चलेगा, HCF of 16 and 57 is। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो बच्चों देखिए इसमें 20 सवाल, ये क्वेश्चन है ना काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए लास्ट में वन आया, मैं वन को वन से मल्टीप्लाई करूँ, वन वन ज़ा वन आएगा, लास्ट में वन है, वन वन ज़ा वन आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इसलिए मुझे एक स्टेप और करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वन था तो वन को वन का भी फैक्टर निकालना था, वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन, अब इसमें हम वन और ऐड कर देंगे। देखिए मैं थ्री वन ज़ा मल्टीप्लाई करूँ, थ्री वन ज़ा थ्री, वन वही अपने आप हट जाएगा, वन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आया? वन आया, ठीक है। तो इस तरह से करना था, अगर आपको कोई कॉमन नहीं मिले तो आप वन को वन का फैक्टर निकाल के वन ऐड कर दीजिए वहाँ यहाँ पे, देन उसका कॉमन आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।